हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको एक साइंस का छोटा सा टॉपिक देने जा रहे हैं, जिसमें आपको पीएच मान याद करवाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ, जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे तरीके से आपको याद करवाएंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जल का पीएच मान कितना होता है। अब इसको हम ट्रिक के साथ आपको करवाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल का पीएच मान कितना होता है, अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे। अब जल आ रहा है, जल, ठीक है, एक मिनट, जल को हम अच्छे से लिखेंगे। देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे जल आ रहा है ना। अब इसका कितना मान है, 7 होता है, तो इसको जल कैसे रखेंगे। अब जल दे रखा होगा आपको पेपर में, एग्जाम में, तो हमने क्या देखा ना, जल में देखो यहाँ से ये चीज पूरी हाईलाइट कर देते हैं। मैं एक मिनट रुको, हाईलाइट कर दी ना। मान लो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। जल था ऐसे था, एक मिनट रुकना, मतलब कि ऐसे था ये, ठीक है। हमने क्या किया, ये चीज़ यहाँ से काट दी, ठीक है, काट दी। उसके बाद हमने यह किया कि इसको आगे बढ़ा देते थोड़ा सा। देखो 7 लग रहा है ना, ये 7 लग रहा है ना, जल में 7 दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है 7, तो 7 रख लेंगे इसे। जल का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, अब ये याद कैसे रखेंगे वो बताते हैं आपको। अब देखो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4, ठीक है। तो अब देखो दूध पीने के बाद जो कोई पहलवान होता है, जब कोई भी बंदा होता है, वो क्या कर देता है, उसमें ताकत आ जाती है। ताकत आने के बाद वो क्या करता है, उस छक्के छुड़ा देता है उस आदमी के। मान लो एक बंदा यहाँ लड़ रहा है, एक दोनों दोनों लड़ रहे हैं, मान लो इसने फुल दूध पी लिया, तो ये दूध पी के इस बंदे का क्या करेगा, छक्के छुड़ा देगा। क्या कर देगा, छक्के छुड़ा देगा। मतलब छक्के से मिल गए 6 हो गया, 6.4, इतना आप ऑप्शन में आराम से मिल जाएगा, 6 पॉइंट, पूरा 6.4 ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा सिरके का पीएच मान, ठीक है, कितना होता है, 3 होता है। सिरके का कितना होता है, 3 होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सिरका, ये मात्राएं काट दें, ये मात्राएं काट दें, तो हमारे पास क्या बच गया, स र, सरक बच गया ना। देखो स र, क्या 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 से याद कर लेंगे, 3 अक्षर आ रहे हैं। सिरके में क्या, मात्राएं काट के कितने अक्षर बचते हैं हमारे पास, 3 बचते हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 से ऐसे याद कर लेंगे। सिरका का पीएच मान 3 हो गया, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब इसको कैसे याद रखेंगे, मानव रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है। कितना, 7.4, जिसको हम क्या बोलते हैं, 74, 70। इसको हम किससे रिलेट करेंगे, हृदय से, 70 हृदय, 70 हृदय, इसमें भी हृदय। हृदय में क्या होता है, खून बहता रहता है हमारा, पंपिंग काम करता है ये, खून का सारा पंपिंग करता है, तभी आगे जाता है ना, जो हृदय होता है हमारा पंप करता है। लोग बोलते हैं दिल टूट जाता है, दिल ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ कोई टूटने वूटने का नहीं होता, ठीक है। लोग बोलते हैं हमें धोखा मिला है, हमारा दिल टूट गया, वैसा कुछ नहीं होता। दिल का सिर्फ काम होता है ओनली धड़कना, मतलब कि पंपिंग करना, धड़कना भी नहीं होता है, सिर्फ पंपिंग करता है ये, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, बस ये इसका यही काम होता है, और लोग इसको क्या बना के फिर रहे हैं, ठीक है। तो 74 से, मतलब कि 74 में क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, 70 से मतलब हृदय, हृदय में क्या होता है, खून होता है, और खून का पीएच मान कितना हो गया, 74 से 70.4 हो गया, 70.4 हो गया, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया नींबू के रस का पीएच मान, 2.5 होता है। अब नींबू होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसके दो टुकड़े करते हैं, कर लिए ना, फिर इसके दो इसके करेंगे, दो इसके करेंगे, कितने हो गए, 4 हो गए। पहले हमने क्या किया, एक मिनट दोबारा फिर बताता हूँ आपको मैं, जैसे मान लो ये पूरा नींबू था, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो ये हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, ठीक है, दो टुकड़े हो गए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके 4 टुकड़े करते हैं, शादी में देखते हुए ऐसे टुकड़े होते हैं, इसके 4, इसके 2 टुकड़े करते हैं, इसके 4 हो गए। तो मतलब कि पहले हमने क्या किया, दो किए, ये दो दो हो गए, उसके बाद क्या किया, दो, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, दो,
और ये कर दिया कितने, दो दो और दो चार, चार ये हो गए 3, 2.4 हो गए। ऐसे ही करते हैं ना घर पे हम नींबू का, तो नींबू का सीधा याद रख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया NaCl का पीएच मान, मतलब कि नमक का पीएच मान। अब नमक का पीएच मान होता है 7। ठीक है, तो अब 7 कैसे याद रखेंगे ये वो बताते हैं आपको हम। ठीक है, अब नमक होता है जो नमक, ठीक है, वो किसके साथ खाते हैं हम, सब्जी के साथ खाते हैं, सब्जी होती है उसमें डालकर खाते हैं ना नमक को, तो मतलब कि 7 7 से मतलब कि 7 कर लेंगे। सब्जी के में डालकर ना क्या खाते हैं, नमक खाते हैं और 7 मतलब कि उसमें मिलाकर, 7 मिलाकर, ठीक है, 7 से 7 कर लेंगे। ठीक है, और नमक का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, इसकी हम आगे और वीडियो लेके आएंगे, पूरे आपको 28 35 पीएच मान करवाएंगे, जो उसमें से आपको पीएच मान में से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।